वांग चीन के बुहान शहर में रहता था। वो चीनी आर्मी का एक सैनिक था। वांग के पिता भी एक रिटायर्ड फौजी थे। वांग 3 महीने की छुट्टी के बाद आज घर लौटा था। वांग के घर में उसकी पत्नी और पिता के अलावा कोई नहीं था। आओ बेटा आओ, इस बार तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पर थी बेटा? पोस्टिंग पिछले 2 महीने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में थी। हमने इंडियन आर्मी पर हर तरह से अपना दबाव डाला, उनके जवानों को खूब परेशान भी किया, लेकिन वो इतनी आसानी से कब्जे में नहीं आने वाले। इंडिया पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा ही उछल रहा है। हमें इंडियन आर्मी के जवानों के अंदर दहशत पैदा करनी होगी, तभी वो लोग तवांग सेक्टर से पीछे हटेंगे। तुम थके हुए होगे बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, अब हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। वैसे भी हमारे देश की आबादी बूढ़ी हो रही है। अभी हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हो गई है जो तुम बच्चे के लिए इतनी चिंतित हो, लेकिन मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है, क्या हम कल बात करें? कल कल करके तो तुम्हारी सारी छुट्टियाँ निकल जाएंगी। तुम्हें जल्द से जल्द इस बारे में कोई निश्चित फैसला लेना चाहिए। कुछ देर बाद वांग सो गया। उसकी पत्नी किन को नींद नहीं आ रही थी। वो टॉयलेट जाने के लिए उठी। उसने अपनी चप्पलें ढूंढी, लेकिन चप्पलें बेडरूम में नहीं थी। लगता है चप्पलें लॉन में ही रह गईं। मैं वांग के जूते ही पहनकर चली जाती हूँ। किन ने जब जूते पैर में डाला तो उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। किन ने जब जूते से अपना पैर बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसका पैर खून में सना हुआ है। क्या हुआ किन, क्यों चिल्लाई? क्या कोई चूहा तुम्हारे पैर पर चढ़ गया? नहीं, मैंने तुम्हारे जूते पहने, लेकिन तुम्हारे जूते में खून है। मेरा पैर खून में सन गया। वांग ने जूते को उल्टा किया। जूते से लबालब खून फर्श पर गिरा। वांग भी घबरा गया। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जूते में इतना खून कहाँ से आ गया। वांग जूते धोने के लिए बाथरूम में गया। वांग ने जब टंकी चलाई तो उसमें से भी खून की धार निकल पड़ी। ये क्या हो रहा है? क्या ऊपर टैंक में भी खून भरा हुआ है? वांग छत पर टैंक को चेक करने के लिए जा रहा था, तभी उसे किन की चीख सुनाई दी। वांग दौड़कर बेडरूम में पहुंचा। क्या हुआ? तुम्हारी वर्दी अभी इंसानों की तरह चल रही थी, वो देखो जमीन पर पड़ी हुई है। वर्दी खड़ी हो गई और हवा में उड़ने लगी। वांग ने वर्दी को पकड़कर अलमारी के अंदर डाला और अलमारी को लॉक कर दिया। आज हम लॉन में सो जाते हैं। अगले दिन वांग और किन चर्च गए और उन्होंने काफी देर वहां प्रार्थना की। वांग और किन जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पापा टीवी देख रहे हैं। हमारी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच फिर से झड़प हुई। इंडियन आर्मी का एक जवान मर गया और दूसरा गायब है। जरूर हमारी आर्मी ने पकड़ लिया होगा। इंडियन आर्मी के जवानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि एक ही मरा। उधर भारत में जो जवान गायब था उसके परिवार में मायूसी छाई हुई थी। मम्मी, पापा कहाँ गायब हो गए? रो मत बेटा, सरकार उन्हें ढूंढ रही है, वो जल्द ही मिल जाएंगे। उस रात वांग के पिता खुशी में शैंपेन लेकर आए। उन्होंने शैंपेन खोली ही थी कि तभी गेट पर कोई आया। वांग के पिता ने जब गेट खोलकर देखा तो बाहर एक भिखारी खड़ा था जिसके हाथ में कटोरा था। कुछ खाने को मिल जाए साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा कटोरा चावलों से भर दूंगा, बस एक मिनट रुको। वांग के पिता अंदर चावल लेने चले गए। कौन है पापा? एक भिखारी है, शक्ल से तो इंडियन ही लग रहा है। वांग के पिता जब बाहर आए तो उनकी आंखें थर्रा गईं। भिखारी के कपड़े पहने एक भयानक आदमी खड़ा था जिसके मुंह के किनारों से लंबे नुकीले दांत निकले हुए थे।
उसके कटोरे में हड्डियां भरी हुई थी। भूत ने वांग के पिता का मुंह पकड़ा और उसके गले में कटोरे की हड्डियां डाल दी, जो गले में अटक गई और वांग के पिता की आवाज चली गई। वांग पिता के कमरे में शैंपेन पीने पहुंचा। उसने देखा कि शैंपेन की बोतल खुली रखी है, लेकिन पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। पापा तो भिखारी को चावल देने गए थे। वांग जब बाहर पहुंचा तो उसे अपने पिता बेहोश मिले। जिसने भी मेरे पिता का ये हाल किया है, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। वांग ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। उसे भूत का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वांग अपने एक दोस्त से मिलने गया, जो उसके साथ ही घर लौटा था। हाय जाओ, कैसे हो? परसों की न्यूज देखकर मन कुछ खुश हुआ, लेकिन मेरे घर में भूत प्रेत से संबंधित कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मेरे घर में भी ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। किसी भूत ने मेरे पिता की आवाज छीन ली। वांग ने जाओ को सब कुछ बताया कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ, उसने तो मुझे और भी डरा दिया है। मुझे भी अपने परिवार की चिंता हो रही है। हमें कुछ दिन साथ साथ रहना चाहिए। या तो तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाओ, या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। मेरा घर बड़ा है, तुम अपनी वाइफ को मेरे घर पर ही लेकर आ जाओ। जाओ और वांग का परिवार साथ साथ रहने लगा। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। इतने बड़े घर में हम दो लोग ही रहते हैं, हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है। चलो मैं तुम्हें अपना घर घुमाती हूँ। सबसे पहले तुम हमारे विशाल पेंडुलम क्लॉक को देखो, वो बहुत पुरानी है। लियो और किन जब पेंडुलम क्लॉक के पास गए तो उन्होंने देखा कि घड़ी में पेंडुलम की जगह उल्टा भूत लटक रहा है। दोनों चीख पड़े। वांग और जाओ जब तक दौड़कर वहां पहुंचे, भूत गायब हो गया। घड़ी में पेंडुलम की जगह उल्टा भूत लटक रहा था। तुम दोनों हमारे साथ ही रहो, ऐसे अलग होकर मत घूमो। चलो साथ में कोई मूवी देखते हैं। चारों लोग एक साथ बैठकर मूवी देखने लगे। अचानक जिस सोफे पर वो बैठे थे, वो सोफा ऊपर नीचे होने लगा। वांग और जाओ ने सोफा हटाया और नीचे देखा। सोफा के नीचे एक खोपड़ी पड़ी हुई थी। वांग ने उसे वहां से हटाना चाहा, लेकिन खोपड़ी नहीं हिली, क्योंकि वो जमीन के अंदर तक धसी हुई थी। हमें नीचे बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए। संभल कर जाना और सारी लाइट्स जला कर रखना। जाओ और वांग नीचे बेसमेंट में गए। उसी समय लाइट चली गई। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा बेसमेंट में बुर्का पहनकर कोई खड़ा है। कौन हो तुम? बुर्का सिर्फ हंसे जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। वांग ने पास ही रखी एक कुल्हाड़ी उठा ली। आज इसे काट ही डालते हैं। मुझे काटने से पहले जरा मेरा चेहरा तो देख ले, तुझे कुछ याद आ जाएगा। मैं ना केवल तेरी शक्ल देखूंगा, बल्कि तेरी गर्दन को काट दूंगा और तेरी मुंडी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। इसकी बातों में मत आओ वांग, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। तुम घबराओ मत जाओ, जरूर इसी ने मेरे पापा की आवाज छीनी होगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग ने पास जाकर बुर्का हटाया। अंदर वही भयानक भूत था जो उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा था। मैंने ही तेरे पिता को सबक सिखाया, क्योंकि वो इंडियन आर्मी के जवान के शहीद होने की खुशी में पागल हो गया था। मेरा ये भयानक चेहरा तुम्हारी ही देन है। दुनिया मेरी नहीं, तेरी कटी हुई मुंडी देखेगी। वांग ने भूत को कुल्हाड़ी से मारना चाहा, लेकिन भूत ने वांग का हाथ पकड़ लिया और कुल्हाड़ी छीन कर वांग की गर्दन काट डाली। अगले दिन वांग की मुंडी और शरीर के फोटोज अखबारों में छपे। जाओ ने पुलिस से हेल्प मांगी। कोई आदमी होता तो मैं उससे लड़ भी लेता, लेकिन ये भूत वगैरह का सामना मैं कैसे करूं? मेरे परिवार को खतरा है। आपके परिवार को पुलिस फोर्स के साथ साथ कुत्ते और तांत्रिक भी दिए जाएंगे। पुलिस, कुत्ते और तांत्रिक तीनों मिलकर आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे।
पुलिस ने तांत्रिक और कुत्तों को जाओ के परिवार की सुरक्षा में लगा दिया। कुछ दिनों तक कोई घटना नहीं हुई। पुलिस वाले भी खड़े खड़े बोर हो गए। यहाँ कोई भूत बंडिया नहीं है, होता तो दिखाई तो देता। मुझे तो लग रहा है कि किसी आदमी ने ही बुर्का पहनकर वोंग को मारा होगा। मैं तो आज रात जागने वाला नहीं, अगर कुछ होगा तो कुत्ता भौंक कर जगा देगा। पुलिस वाले सो गए। रात 2 बजे एक पुलिस वाला पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा किसी ने कुत्ते को पेड़ पर उसकी पूंछ के द्वारा टहनी से बांध कर लटका दिया है। पुलिस वाले ने बाकी लोगों को बुलाया। खून से जमीन पर लिखा हुआ था, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। वो कौन है जिसने वांग के पिता की आवाज छीनी और वांग को मारा? जानिए आगे के एपिसोड में। एरोप्लेन में बैठे यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक खिड़की से देखती लेडी यात्री की खिड़की पर एक कंकाल का डरावना चेहरा उभरता है। क्या हुआ मैडम? भूत, भूत! ओह गॉड, हजारों फीट ऊंचाई पर ये कंकाल कहां से आ गया? तभी खिड़की से अंदर देखता कंकाल गायब हो जाता है और प्लेन के अंदर एक पायलट आकर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछों वाले मुल्ले टाइप के दिखने वाले आदमी को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ? अरे पायलट साहब, क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ जनाब, हमें कहाँ ले जा रही हो? बचाओ, बचाओ! मगर पायलट कुछ नहीं बोलता है। प्लेन का दरवाजा खोलता है और उसे लेकर बाहर कूद जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? वो मुल्ला को लेकर क्यों कूद गया? बेचारे मुल्ला का क्या हुआ होगा? वहाँ ऊपर ये घटना हो रही थी, यहाँ नीचे एक गोडाउन में भी एक मुल्ला जैसा दिखने वाला आदमी अपनी बंदूक लिए बाकी बंदूकधारियों से कह रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? खबर आई है कि हमारे मखदूम साहब को एक पायलट लेकर प्लेन से कूद गए कि उस प्लेन के सारे पायलट मौजूद थे, उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग भी की। तो फिर वो कौन सा पायलट था? बॉस, खबर आई है कि मखदूम साहब को लेकर प्लेन से कूदने वाला वो पायलट सनराइज एयरवेज की वर्दी पहने था। क्या? सनराइज एयरवेज? सनराइज एयरवेज को तो बंद हुए 20 साल हो गए, याद है? उनके सारे यात्री और पायलट को हमने ही जान से मार दिया था, वो कैसे हो सकता है? तभी अचानक उनके गोडाउन में वही वर्दी वाला पायलट किसी भूत की तरह एंट्री करता है। बॉस, ये तो वही पायलट है। पायलट अपना सिर उठाता है तो सभी की चीखें निकल जाती है। अरे इसका चेहरा तो पूरा कंकाल का बना है, तेरी तो। सभी बंदूकधारी उसके ऊपर गोली चलाते हैं। पायलट अपने हड्डियों वाले पंजे से गोली को रोक लेता है और गोली रिवर्स आकर उसी आदमी को लगती है। वो चीखता हुआ वहीं पर मर जाता है। सभी बाहर की तरफ भागते हैं। देखो बॉस, इसने सनराइज एयरवेज की वर्दी पहन रखी थी। लगता है हमें कोई सनराइज एयरवेज के नाम पर डरा रहा है। वो प्लेन आज भी हमारे जंगल के अड्डे पर खड़ा है। सारे पैसेंजर और पायलट की लाशें अभी भी उसमें वैसे ही कुर्सी पर बेल्ट के साथ बंधी पड़ी है। फिर भी बॉस, मुझे भी यही लगता है, कहीं कोई पायलट बच तो नहीं गया था। अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। सभी एक सुनसान जंगल में गंदे धूल पड़े प्लेन के पास पहुंचते हैं, जिस पर लिखा है सनराइज एयरवे। सभी प्लेन के अंदर जाते हैं। देखो प्लेन की हालत, 20 साल में पूरा सड़ गया है। और इनके यात्री देखो, इन्हें हमने कुर्सी पर बेल्ट के साथ बांधे बांधे ही मार दिया था। आज भी इनकी लाशें कुर्सी में बेल्ट से बंधी है। हाँ, लेकिन हमारे अड्डे पर तो पायलट आया था। आओ कॉकपिट में पायलट को भी देख लेते हैं। ये देखो, पायलट अपनी सीट पर कंकाल बना बैठा है। उसके हाथ में प्लेन उड़ाने वाला हैंडल अभी भी है।
हाँ, हमसे बचने के लिए ये प्लेन उड़ाने के चक्कर में था। हाँ, और उसी पोजीशन में हमने इसे मार दिया था। आओ। अरे, ये प्लेन स्टार्ट कैसे हो गया? बॉस, कहीं वो पायलट तो नहीं आ गया? सभी भागते हुए वापस कॉकपीट में पहुंचते हैं। पायलट की कुर्सी पर बैठा हुआ पायलट का कंकाल प्लेन उड़ा रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? भागो, भागो, प्लेन का दरवाजा खोलकर निकल जाओ। बॉस, प्लेन तो जमीन से ऊपर उठ गया। क्या? बॉस, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत, जैसे इंसानों को मारकर कंकाल बनाया, इस कंकाल को भी मारकर मिट्टी बना देंगे। तभी प्लेन हवा में 2-3 गुलाटी खाता है। वो सब संभलने की कोशिश में यहाँ से वहाँ गिरते हैं, चीखते हैं। यहाँ नीचे एयर कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ अचानक आसमान में एक नए तरीके का प्लेन देखकर चौंक जाते हैं। ए, ये कौन सा प्लेन है? अभी तो किसी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। स्क्रीन पर जूम करके देखते हैं। ओह गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो प्लेन 21 साल पहले उड़ा था और जिस सनराइज एयरवेज को बंद हुए 20 साल हो गए, उसका प्लेन 20 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? हेलो 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 पायलट, कोई हमें सुन रहा है? तब तक प्लेन वहां के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। एयरपोर्ट के एंट्री पर अपने 20 साल के बेटे के साथ बैठी एक उदास लेडी अचानक खुश हो जाती है और चीख पड़ती है। आ गए, देख तेरे पापा आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा अपने होने वाले बेटे को देखने, और वो आ गए। वो लेडी और कंट्रोल रूम के स्टाफ प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? अरे तुम लोग कौन हो? हम ही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने सनराइज प्लेन को हाईजैक किया था और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के बाद भी इन सब को मार दिया था। हमें गिरफ्तार कर लो वरना वो कंकाल पायलट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंकाल पायलट? सभी भागते हुए कॉकपिट में पहुंचते हैं। अरे ये भी कंकाल बन चुका है? फिर प्लेन उड़ाकर कौन लाया? वो आ गए, मेरे बंटी के पापा आ गए। अरे कहां से आएंगे तुम्हारे बंटी के पापा? मैं आ गया हूं सर। जब मैं सनराइज का ये प्लेन लेकर उड़ा रहा था, तब मेरा बेटा अपनी माँ के पेट में था। मैंने इससे वादा किया था, अपने बेटे को देखने मैं वापस आऊंगा, और मैं वापस आ गया। बस इन मुजरिमों को वापस ढूंढने में मुझे 20 साल लग गए। बेटे, तुम्हें एक नजर देखने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा था मैं वापस आऊंगा। अब तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। क्यों चले गए वापस? क्यों चले गए? सच कहा है किसी ने, कई बार इंसान अपनी जान जाने के बाद भी अपना वादा निभाने और अपनों को देखने जरूर आता है।